हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने डिवाइस में दोस्तों कीबोर्ड वॉइस टैपिंग प्रॉब्लम या ग्लाइड टैपिंग प्रॉब्लम या दोस्तों कीबोर्ड लैग प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। दोस्तों आपके फ़ोन की जो कीबोर्ड की प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में दोस्तों कीबोर्ड को दोस्तों आप सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, या दोस्तों आपके फ़ोन में कीबोर्ड वॉइस टैपिंग नहीं हो रही है, दोस्तों यहाँ पे वॉइस टैपिंग का आइकन भी नहीं आ रहा है, तो आप आइकन को कैसे शो करोगे और वॉइस टैपिंग कैसे यूज़ करोगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करना। दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप अपने डिवाइस में फ़ोन की सेटिंग को ओपन करो और दोस्तों यहाँ पर आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको जो यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग है आप इसको ओपन कर लो, और दोस्तों अगर यहाँ से आपसे वॉइस टैपिंग ऑफ हो गई है तो आप इसको ऑन कर लेना। ऑन करने के दोस्तों यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड वॉइस टैपिंग, दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड वॉइस टैपिंग आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे वॉइस टैपिंग आप सही से नहीं कर पा रहे हो किसी प्रॉब्लम यहाँ पे वॉइस टैपिंग के लिए, तब आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन में ऐप सेटिंग को ओपन करना है। ऐप सेटिंग ओपन करेंगे, सी ऑल ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, और उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे जी बोर्ड का। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में जी बोर्ड पे क्लिक करना है, और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जी बोर्ड का स्टोरेज एंड कैच, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लियर कैच और फिर क्लियर स्टोरेज कर देना अपने जी बोर्ड डाटा का, ठीक है। आपने दोस्तों क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर दिया, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों आप ओनली जी बोर्ड का ही नहीं दोस्तों आप किसी भी ऐप का दोस्तों यहाँ पर आप क्लियर कैच या क्लियर डाटा कर सकते हो। दोस्तों अपने फोन में अलार्म वगैरह लगा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है अलार्म लगाने के टाइम पे, तो यहाँ पर आप इसे क्लियर डाटा करो, वापस आप इसको सेटअप करो, आप अलार्म वगैरह लगा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कीबोर्ड के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे, दोस्तों कीबोर्ड वॉइस टैपिंग दोस्तों यहाँ पे शो हो गई है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। हेलो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल जो मैंने बोला है माइक में दोस्तों यहाँ पे वॉइस शो हो रहा है, ऊपर देख सकते हो रिंग टोन, वॉल पेपर। दोस्तों इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड सेटिंग को, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइट टाइपिंग है, अगर ये आप इसको ऑफ करते हो या इसको ऑन करते हो तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आप लिखना चाहते हो हाउ, दोस्तों यहाँ पर देखते हो हाउ हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइन आप ऐसे लिख सकते हो, गुड आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों, तो आप इसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसे दोस्तों हम यूज़ कर सकते हैं ग्लाइड टैपिंग को, और अब यहाँ पे आप इसको ऑफ भी कर सकते हो अपने ग्लाइड टैपिंग को। दोस्तों यहाँ पे ग्लाइड टैपिंग ऑफ कर देंगे, दोस्तों वॉइस टैपिंग आप ऑफ कर दे तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप वॉइस टैपिंग यूज़ नहीं कर सकते अपने डिवाइस में, ग्लाइड टैपिंग और वॉइस टैपिंग दोस्तों आप दोनों ऑफ कर दो। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो वॉइस टैपिंग शो नहीं होगी आपके कीबोर्ड पर, और यहाँ पर आप ग्लाइड टैपिंग भी नहीं कर सकते अब, दोस्तों यहाँ पर आप वन बाई वन ऐसे टाइप कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से अपने फ़ोन में आप कीबोर्ड सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।